वेलकम टू अनदर वीडियो। यार मुझे इतने ज्यादा मैसेज आए हैं, तकरीबन मुझे 2.5 महीने हो गए जब से एमडी कैट हुए ना, जब से एमडी कैट के रिजल्ट है उससे लेकर अब तक मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स यूट्यूब पे, उसके बाद इसके अलावा इंस्टाग्राम पे कि भाई हमें अलामा इकबाल का रूम टूर करवाएं। मुझे इतने ज्यादा मैसेज आए कि आपने हमें अलामा इकबाल कॉलेज दिखा दिया, आपने हमें हॉस्टल दिखा दिया, आपने हमें रूम नहीं दिखाया। तो मैं उनको हर दफ़ा यही रिप्लाई करता था कि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं इस अभी मेरा हो रहा है प्रोफ के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोफ एंड हो गया है, अभी हमारा सेकंड का प्रोफ एंड हो गया, अभी सिर्फ रिटर्न एंड हुआ है, अभी हमारे प्रैक्टिकल ऑस्पिल और बाकी सारी चीज़ें अभी रहती हैं। तो अभी हमें 8-10 दिन की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि यार चलो आप लोगों को रूम दिखा दो। बेसिकली मैं आज आपको अपना रूम दिखाऊंगा कि मतलब जहाँ हम रहते हैं ना, तो इसका क्या सीन है। ठीक है, आज मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारे का सारे। यार ये हम लोग रूम में एंटर हो गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली हर रूम का ना तकरीबन सेम होता है। ठीक है, मैं अभी आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। ये आपने एंट्रेंस कर लिया, ठीक है, तो आप जो है रूम जो है बेसिकली इतना नहीं होता, खुला नहीं होता, मतलब कि सही होता है। इधर रूम है ना बेसिकली, ये है 2 बंदों का रूम, ठीक है। तो लेकिन हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे 3, क्योंकि हमें हमारे दोस्त, तो हमने यार हम लोग एकोमोडेट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं अब आपको एक ही चीज़ दिखाता हूँ कि रूम बेसिकली है क्या क्या चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले ये है, ये जो सबसे हर रूम की बेसिक चीज़ है, एक होनी चाहिए, ठीक है, डस्टबिन। ये है जी शूरैक, ठीक है। उसके बाद ये ओवन वगैरह, ये आप खुद आपकी मर्जी होती है, आप इसको कस्टमाइज करना चाहें, मतलब आप रखना। मैंने आपको पहले बताया आपको रूम में कुछ भी नहीं मिलता, आपको जस्ट एक रूम मिलता है, बाकी जो भी आप खर्चा करते हैं वो आप खुद करते हैं। ठीक है, ये है जी हमारी छोटी सी अलमारी, कह रहे हैं जो भी आप इसमें हम और अपना सामान वगैरह रखते हैं। ठीक है, और ये है जी फ्रीज़र, इसमें कुछ सामान पड़ा होगा, बाकी तो इसके अंदर इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक हो गया, और ये हमारा छोटा सा अलमारी है, ये दूध की पत्ती वगैरह पड़ी है, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, ये उसके ऊपर हमारे बर्तन वगैरह पड़े हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से काफ़ी खुली जगह, अगर आप देखें तो देखें ना, ये बेड है, मतलब बेड नहीं है, जो जो भी कह लें आप, बिस्तर 1, 2 और 3। ठीक है, बेसिकली ये जो रूम है, ये 2 बंदे का रूम है, लेकिन हम रह रहे हैं 3, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर आप 3 बंदे हो तो वो भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, दो बंदों के लिए तो ये रूम बिल्कुल ज़बरदस्त और खुला रूम है। ठीक है, तो यहाँ से आप एंटर होते हैं, ये तो पानी की बोतल, ठीक है, ये अलमारी है। बेसिकली ये जो रूम है, ये 2 बंदों का, तो इसलिए ये 2 अलमारियाँ हैं, ये 2 बंदों की, और ये अलमारी हमने खुद बाय की है, क्योंकि हम बंदे 3 थे, इसलिए हमने कहा कि यार एक अलमारी हम खुद बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अलमारी है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अलमारी के अंदर क्या होता है। अलमारी काफ़ी खुली होती है, ठीक है, अब आप देखें, इसमें आपके कपड़े वगैरह आपकी हर शय आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आप जो चीज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं, मतलब कि इसके ये भी केबल बना हुआ है, ये मेरी अलमारी है बेसिकली, इसके अंदर सामान वगैरह पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप जो भी अपना सामान वगैरह, नीचे शूज़ वगैरह, बुक्स वगैरह, जो कुछ भी है, मतलब आप कहने का मकसद है कि ये काफ़ी खुली अलमारी है और इसके अंदर काफ़ी सामान वगैरह आ सकता है, यानी कि एक बंदे के लिए ये एनफ है। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं बंद, और ये उसके ऊपर खाली है, आपने कुछ सामान वगैरह अपना रखना हो, मतलब कि जो भी कह लो अपना पुराना सामान वगैरह। ठीक हो गया, और ये आपको मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, ये बेसिकली बाहर का व्यू। ठीक है, ये आप खोलें तो ये बाहर से आप ठंडी हवा, जो भी आप कह लें, मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बाहर का व्यू है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हर रूम के पीछे होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, बाकी जो रूम है ये, अच्छा ये हमने एक लगाया हुआ है पर्दा, ताकि अगर किसी ने कपड़े वगैरह चेंज करने हो तो वो पीछे जाके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पीछे हो गया, वो अलग हो गया, और हम इधर मतलब 3 बेड आ गए। ठीक हो गया, अच्छा अब इसको हम करते हैं बंद, और बाकी ये जो नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आयतल कुर्सी अलग, ये तो हमने खुद करवाया, मतलब मैंने आपको पहले कहा यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको जस्ट एक रूम मिलता है। ठीक है, आप जितना मर्जी रूम को कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, जो या पंखे लगवाएं, या कुछ एक मिलता है पंखा, और पेड़ भी हमने खुद करवाया था। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको खुद करवाना पड़ता है। बाकी इसके अलावा यार आपको सिर्फ एक रूम मिलता है, उसमें सिर्फ एक अलमारी होती है और एक उसमें होता है पंखा, बाकी आपको बल्ब तक ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी आप लेना है, आपका चारपाई हो गया, बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, जो नीचे होता है कारपेट हो गया, एवरीथिंग आपको खुद लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप रूम को किस तरह कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है बेसिकली इसके अंदर, और बाकी इसके अंदर, और अगर किसी को कोई सवाल हो, असल में ना मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अपना रूम दिखाऊं आप लोगों को ना, क्योंकि इसमें ना हर बंदे की अपनी वो होती है, पर्सनल लाइफ होती है, तो फिर भी मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स में आए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी यार बेसिकली रूम में होता क्या है, तो इसलिए मैंने आपको रूम दिखा दिया। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है,
इसके अलावा ना मुझे काफी बच्चों के सवाल आए हैं कि सर भाई जो भी कहते हैं, मैं कहता हूँ यार मैं भाई, मुझे सर ना कहें, तो कुछ बच्चे हैं तो वो कहते हैं, उनका सवाल था कि आप हमें बताएं कि हमें फर्स्ट ईयर में ही क्यों ग्रुप मिल जाएगा। भाई यहाँ फर्स्ट ईयर में कोई क्यों नहीं मिलता आपको, ना फर्स्ट ईयर में, ना सेकेंड ईयर में, ना थर्ड ईयर में आपको क्यों नहीं मिलता, ठीक है, आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे हॉस्टल में रूम कम है, मतलब यहाँ पे अकोमोडेशन की जगह कम है, तो इसलिए आपको पहले मिलता है 5 वाला, फिर 2 वाला, इस तरह कर करके आपकी मतलब आप फिर आपको जाके एंड पे जाके आपको 1 वाला रूम मिलता है, ठीक है। बाकी यार ये रूम जो है ना काफ़ी खुला है, इतना कोई आला भी नहीं है, मैं कहूँ जी बड़ा लेवल का रूम है, नहीं यार गवर्नमेंट हॉस्टल में ना आपको इस तरह का मिल जाए ना तो सही है, अच्छा है, मतलब कोई इतना हल्का नहीं है, ठीक है। बाकी इससे अच्छे अच्छे रूम भी है, वो यार आप पर डिपेंड करता है कि आप रूम को किस तरह कस्टमाइज करते हैं, आप उसको किस लेवल के ऊपर, किस लेवल तक जाके आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो आप पे ही डिपेंड करते हैं, ये बेसिकली इसका असल चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो कर लें। अब इंशाल्लाह अब मेरा प्रूफ एंड हो गया, अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो हर रोज़ नहीं कि मतलब कोशिश करूँ कि आपके साथ कनेक्टेड रहूँ, हर महीने में 3-4 वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँ।